हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो चंडीगढ़ पीआरटी का जो एग्ज़ाम आप लोगों का होने वाला है उसके अंदर जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो किस तरह का पूछा जाएगा। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि चंडीगढ़ पीआरटी का क्या सिलेबस रह सकता है। सिलेबस के बाद मैंने सेल्फ स्टडी के लिए आपको बुक लिस्ट दी है। देन मैंने चंडीगढ़ पीआरटी का जो प्रीवियस ईयर पेपर जो हुए हैं उनसे रिलेटेड मैंने हिंदी और इंग्लिश के आपको टॉपिक बताए हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक अच्छे से करने हैं। वैसे तो सारे ही करने हैं, लेकिन कौन कौन से टॉपिक जिनके ऊपर हमें विशेष ध्यान देना है वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। अब आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के कौन कौन से टॉपिक हैं, किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इज़ ट्रू। कि जो स्टेटमेंट दी गई है NCF 2005 जो हमारा है उसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसमें फर्स्ट पूछ रहा है, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बोल रहा है इट प्रमोट्स द आइडिया ऑफ इंडिया फ्रॉम ए नेशनल पर्सपेक्टिव। कि भाई इंडिया को एक नेशनल पर्सपेक्टिव से देखता है, ऐसा NCF 2005 में कहा गया है। सेकंड ऑप्शन बोलता है इट फोकस ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द दलित इशू। कि जो NCF 2005 है वो दलित इशू के ऊपर फोकस करता है। थर्ड है इट स्ट्रेस दैट ए टीचर डोमिनेटेड क्लासरूम नीड्स टू बी रिप्लेस्ड विद ए लर्नर सेंटर्ड वन। कि भाई जो क्लासरूम होता है उसको लर्नर सेंटर बनाना चाहिए। फोर्थ कह रहा है इट मेक्स एन अटेम्प्ट टू इन्फ्यूज रिलीजियस वैल्यू का कोई मतलब नहीं बनता, नेशनल पर्सपेक्टिव का कोई मतलब नहीं बनता, दलित इशू का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसके अंदर जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि जो क्लासरूम है वो लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, ऐसा NCF 2005 में कहा गया है। तो फ्रेंड्स, हमने क्या देखा कि जो NCF 2005 से है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं सिर्फ आपको एक मोटा मोटी आइडिया देने की कोशिश कर रही हूँ। इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करवाऊँ, बस मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हम जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई उस एग्ज़ाम में क्या पूछा जा सकता है और उसी हिसाब से आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन करनी है। कल हिंदी और इंग्लिश में देखा था हमने कि भाई वोकैब पे ज़्यादा फोकस था, तो अब टीचिंग एप्टीट्यूड में देखते हैं कि भाई किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि एचटेट में साइकोलॉजी पूछी जाती है, तो इसमें साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। इसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड बोला गया है ना, तो जो टीचर होता है उसके अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए, भाई वो जो क्लासरूम होता है उसको किस तरह से मैनेज करता है, एक अच्छा गुड टीचर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो NCF 2005 और NEP 2020 से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर ही हमें आगे की अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टीचर। कि जो गुड टीचर होता है उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके अंदर जो निशान लगे हुए हैं आप उन निशान पे मत जाइएगा, जो भाई जिस पे जो टिक लगा रखा है वही सही आंसर है, ठीक है। ये तो मैंने PDF डाउनलोड की थी तो उसमें लगे हुए थे। तो देखिए, इनमें से कौन सी गुड टीचर की जो क्वालिटी है वो नहीं हो सकती। ए टीचर इज ए फैसिलिटेटर हु एनहांस लर्नर। तो भाई बिल्कुल सही बात है, जो गुड टीचर होता है वो किसकी तरह काम करता है, एक सुविधादाता की तरह काम करता है, फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। हम इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नोट वन, कि इनमें से कौन सा नहीं है। ए टीचर इज ए मैनेजर हु मोल्ड्स द पीपल आइडियोलॉजीज। ए टीचर इज ए रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसनर हु इम्प्रूव इंस्ट्रक्शंस। ए टीचर इज ऑल्सो ए लाइफ लॉन्ग लर्नर। तो भाई लाइफ लॉन्ग लर्नर तो होना चाहिए टीचर को, बिल्कुल सही बात है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसनर होना चाहिए, ठीक है, जो क्या करे इंस्ट्रक्शन से बच्चों को क्या करे इम्प्रूव करे। तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसनर आ गया, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या बात कही गई है कि भाई टीचर क्या करता है, जो पीपल्स होते हैं, जो छात्र होते हैं, उनको मोल्ड करता है आदर्शों की तरफ, तो मोल्ड नहीं करता है। तो ये जो मोल्ड वर्ड है ये नेगेटिव लग रहा है, तो इसमें जो सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। जो टीचिंग है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन में सोल्व करने से पहले ये भी देखना होता है कि भाई यहाँ पे नोट लगा हुआ है या क्या लगा हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है, भाई नोट वन, यानी इसमें से कौन सा नहीं है। टू प्रिपेयर द पोलिटिकल कंसेशियस सिटीजन्स, भाई जो टीचिंग का जो उद्देश्य है वो पॉलिटिकल कंसीसियस जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, वो तैयार करना है। टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंज इन द लर्नर्स के अंदर जो चेंज चाहिए वो चेंज लाना। टू सेव द लर्नर्स को
शेप देना अकॉर्डिंग टू हर इज एप्टीट्यूड, उसकी किस तरह की एप्टीट्यूड है, किस तरह की उसकी अभिवृत्ति है, किस तरह की उसकी अभिरुचि है, उसके अनुसार बच्चे को देखना। और टू फैसिलिटेट एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, और जो नॉलेज है उसके एक सुविधादाता की तरह काम करना। तो ये चारों मैंने आपको ऑप्शन समझाए हैं, तो आपको पता लग रहा होगा कि भाई इनमें से कौन सा नहीं है। टू प्रिपेयर द पॉलिटिकल कंसीशियस सिटीजन, कि सिटीजन को एक मतलब पॉलिटिकल राजनीति नागरिक की तरह सचेत करना, ऐसा कोई भी टीचिंग का उद्देश्य नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब तक आपने क्या देखा, भाई NCF 2005 से क्वेश्चन आया है, गुड टीचर की क्वालिटी में से क्वेश्चन आ गया है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट टीचिंग के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं उनमें से क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट है असेसमेंट वाला, तो असेसमेंट इवेल्युएशन ये तो आता ही है, ठीक है। असेसमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम इवेल्युएशन बिकॉज, भाई जो असेसमेंट है वो इवेल्युएशन से डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है, ठीक। तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो हमारा सही आंसर होगा, भाई बोथ कंसेप्ट आर सेम तो नहीं होते हैं। ये जो इवेल्युएशन है वो लीड्स करता है असेसमेंट को, ऐसा भी नहीं होता है। बोथ द कंसेप्ट आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट भी नहीं होते हैं। तो असेसमेंट डिफरेंट होता है इवेल्युएशन से, क्यों होता है, क्योंकि असेसमेंट लीड्स टू इवेल्युएशन, जो असेसमेंट है वो इवेल्युएशन को लीड करता है। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एबिलिटी ऑफ एन इफिशियंट टीचर, अब वही टीचर की इफिशियंसी, जो इफिशियंट टीचर होता है उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एबिलिटी क्या होती है। तो आप लोगों ने देखा कि जो भी जो टीचर की जो क्वालिटी चल रही थी उससे दूसरा क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा, पोजिशन ऑफ स्किल्स टू ड्रामेटाइज लर्निंग एक्सपीरियंस, तो ड्रामेटाइज करना जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। कॉम्पिटेंस टू प्लान एंड प्रोवाइड इफेक्टिव गोल ओरिएंटेड लर्निंग मॉड्यूल्स एंड एक्सपीरियंस, एबिलिटी टू लर्न द लर्निंग मटेरियल विद क्लेरिटी, जनरेटिंग बोन होमी बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वो सेकेंड वाला होगा, अकॉर्डिंग टू मी, कॉम्पिटेंस टू प्लान एंड प्रोवाइड इफेक्टिव गोल ओरिएंटेड लर्निंग मॉड्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर विल इमर्ज बेटर एंड मोर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम इफ ए टीचर, कि भाई मोर इफेक्टिव यानी क्लासरूम से रिलेटेड और टीचर से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सब आपके मतलब एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो आप लोगों ने जिनने भी KVS के एग्जाम की तैयारी की थी, तो आप लोग पता है टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए क्या कर सकते हैं, KVS के जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम जो अभी लेटेस्ट हुए थे, तो आप ना उनको ना नेट से डाउनलोड करने की कोशिश कीजिए और उनको कर जाइएगा, क्योंकि आप लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड कहीं ना कहीं पढ़ाई है, ठीक है। बाकी जो कोई अगर मतलब फ्रेशर है और जिनको नोट्स चाहिए, तो आप लोग नोट्स भी ले सकते हैं, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ओके। लेकिन जो नोट्स होंगे वो पेड नोट्स होंगे। नेक्स्ट इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अनरिलेबल प्रेडिक्टर ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट, कि भाई जो एजुकेशनल अचीवमेंट है उसका मोस्ट अनरिलेबल प्रेडिक्टर क्या होगा। जी आपको सामने जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनहेरिटेड एबिलिटी टू लर्न, सेल्फ कंसेप्ट, एथिक ओरिजिन ऑफ पेरेंट्स, क्लासरूम बिहेवियर, तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा एथिक ओरिजिन ऑफ द पेरेंट्स, एथनिक ओरिजिन ऑफ द पेरेंट्स, ये इसका सही आंसर होगा। एजुकेशन इज ए प्रोसेस विच इज एम टू, एजुकेशन का प्रोसेस क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर इज एक्सपेक्टेड टू कन्वे एंड डिसेमिनेट मोस्ट इफेक्टिवली द राइट एटीट्यूड एंड वैल्यूज टू द स्टूडेंट्स थ्रू, कि भाई जो टीचर है वो स्टूडेंट्स के अंदर जो राइट वैल्यूज हैं वो किस तरह से डाल सकता है। 29, तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यही सही होगा, एम्बोडिंग द डिजायर्ड एटीट्यूड एंड वैल्यूज इन हर ओन कंडक्ट एंड बिहेवियर। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे, मेरा इस वाली वीडियो में सिर्फ आपको एकमात्र पर्पज़ यही है कि टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे किस तरह का पूछा जाएगा आपको पता लग सके। बाकी मेरे पास प्रीवियस ईयर अवेलेबल हैं, आप लोग चाहते हैं कि इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट करें तो मैं फटाफट से इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूँगी। और देखिए पहले ना 200 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता था तो उसके अंदर 20 नंबर की टीचिंग एप्टीट्यूड आती थी, और अब जो एग्ज़ाम है वो टोटल 150 मार्क्स का होगा, तो जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो आपके 15 मार्क्स का आएगा, तो 15 मार्क्स आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाते हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसा है नहीं कोई नया सिलेबस है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से कीजिएगा और जिस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा उसी तरह से आप लोग इसको तैयार कीजिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज ऑफ फेलियर ऑफ टीचर, टीचर के जो फेलियर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज है, कारण है, वो क्या बताया गया है। 30 क्वेश्चन है भाई, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या वर्बल एबिलिटी, स्ट्रिक्ट हैंडलिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, तो इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कारण है वो क्या होगा वो बताना है हमें, ठीक है।
तो इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे जो सारे क्वेश्चन हैं वो इसी तरह से पूछे गए हैं। नेक्स्ट है द एम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का एम मेन क्या होना चाहिए। ए टीचर कैन एंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स इन डाइवर्स एबिलिटी क्लासरूम थ्रू, वे जो डाइवर्स एबिलिटी क्लासरूम, ये जो क्लासरूम है उसके अंदर डिफरेंट क्या है, चाइल्ड हैं, अलग अलग ग्रुप से आते हैं, अलग अलग उनके जो समुदाय हैं वो अलग अलग है, तो वहाँ पर जो किस तरह की जो टीचिंग है वो इफेक्टिव होगी ये पूछा गया है। ठीक है भाई, डिफरेंशिएटेड टीचिंग स्ट्रेटजी अपनाएगा, पीयर लर्निंग, ग्रुप एक्टिविटी, टीम टीचिंग, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और इसके लिए बेस्ट जो मैं आपको बता रही हूँ वो यही रहेगा कि आप लोग जो KVS के जो अभी PRT के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि चैनल पर स्टार्ट करें तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइएगा, KVS के जो भी प्रीवियस ईयर थे उनकी हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, तो इससे आपके जो 15 नंबर हैं इनकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट आपसे जो किंडरगार्टन जो विधि होती है उसके बारे में पूछा गया है, आप सभी लोगों को पता है उसके बारे में। व्हाइल डीलिंग विद द प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, जो प्रॉब्लम्स सोल्व करता है जब टीचर, तो टीचर को कैसा होना चाहिए, फ्रेंकली बात करनी चाहिए। ठीक है, वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इफ़ ए टीचर इज डीलिंग विद, जो वर्बल गाइडेंस है वो कम इफेक्टिव होती है जब स्किल्स के बारे में बात करते हैं तो। ठीक है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू, कि किस तरह का जो टीचिंग मेथड है वो इनमें दिया गया है, जो ऑप्शन है इनमें से किस तरह का अच्छा रहेगा तो ये बताना है। विच फिलोसफियर इज डिड एम्फेसाइज द रोल ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स का रोल होना चाहिए, होम एनवायरनमेंट भी मायने रखता है बच्चे के लिए, तो ये किस फिलोसफर ने बताया। द न्यू रोल ऑफ टीचर एज सजेस्टेड बाई द रिफॉर्म एजुकेशन, जो एजुकेशन पॉलिसीज आई हैं जिन्होंने टीचर को क्या बताया है, एक फैसिलिटेटर बताया है। ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है। द न्यू एग्जामिनेशन सिस्टम इन स्कूल, स्कूलों में जो न्यू एग्जामिनेशन सिस्टम लगा हुआ है आप सभी लोगों को पता है। ठीक है, जो CCE है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रेंसिव इवेल्यूशन CCE, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टीचिंग लर्निंग प्रॉब्लम, इनमें से कौन सी टीचिंग लर्निंग प्रॉब्लम नहीं है, भाई टीचिंग लैकिंग इन कंटेंट, जो कंटेंट है उसमें टीचर को समझ नहीं है, जो कम्युनिकेशन स्किल है उनके अंदर लैक है, कमी है, रॉन्ग चॉइस है टीचिंग मेथड की, तो ये सब तो क्या करती है, टीचिंग लर्निंग को प्रभावित करती है, लेकिन क्या नहीं करता, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द क्लासरूम, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन थे, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया जरूर लगा होगा कि किस तरह का टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा, ना तो आपसे CTET की जैसा पूछा जाएगा, ना ही HTET जैसा पूछा जाएगा, जो KVS NVS DSSSB में जो पूछा जाता है वही पूछा जाएगा। अगर आप लोग बुक जानना चाहते हैं तो मैंने बुक के बारे में भी बताया है, बाकी आपके पास जो भी बुक है DSSSB की हिमांशी मैम की आती है एक मोटी सी बुक, वो है तो उससे पढ़ लीजिए, या फिर आप लोगों ने अध्ययन मंत्रा वाले सर जो रोहित वेदवान सर हैं उनके लिए रखी है उनसे पढ़ लीजिएगा, या फिर सरोवा पब्लिकेशन की बुक है, या फिर प्रतीक शिवालिक सर की बुक है, जो भी बुक है किसी से भी पढ़ लीजिएगा जो KVS NVS के लिए डेडिकेटेड है। अब देखिए मैंने इसमें कुछ और क्वेश्चन भी डाले हैं, ये क्वेश्चन SSC में पूछे गए हैं। ठीक है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस भर्ती होती है उन पे, तो जो हमारा एग्ज़ाम है वो बस इसी से मिलता जुलता ही रहेगा। तो इसमें पूछा गया है कि डेल एडगर के कोन ऑफ लर्निंग के अनुसार कौन सा मीडिया कल्पित अनुभव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कक्षा में एक अध्यापक के अच्छे संचार के लिए, वही आ गया ना, अच्छा अध्यापक, अच्छी टीचिंग स्किल्स किस तरह की हो सकती है, एक बच्चे अच्छा कैसे सीखेंगे, छात्र हैं जो हाथ से करके सीखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग, तो वो अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद जो स्कोरिंग गाइड है वो क्या कहलाती है, रीलिया जो होता है वो किस तरह से प्रयोग किया जाता है, तो ये इस तरह से आप लोगों ने सतत व्यापक मूल्यांकन, जो कंटिन्यूस कंप्रेहेंसिव इवोल्यूशन था वो फिर से आ गया। ठीक है, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, जितनी भी होती हैं ये तो आपको ज़रूर याद रखनी है, CTET के टाइम पे भी आप लोगों ने याद की होंगी, HTET के टाइम पे भी। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरह का एक सेशन मैं चाहती हूँ कि कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग सभी सब्जेक्ट्स के लिए बनाया जाए, ताकि आपको आइडिया मिल सके कि किस तरह के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो किस तरह के पूछे जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कॉमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, साथ में जो भी आपके साथी हैं जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमें प्रीवियस ईयर जो हुए हैं चंडीगढ़ के हुए हैं या KVS के हुए हैं, तो प्रीवियस ईयर हमें शोल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, आप लोग चाहोगे तो मैं ज़रूर अपने चैनल पर लेकर आऊँगी, आपकी फ्री में प्रैक्टिस करवा दूँगी अच्छे से। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट आप लोग बताइए किसकी स्ट्रेटजी आप लोगों के सामने लेकर आई जाए।